अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मटन बिरयानी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। आप इस रेसिपी को बहुत कम समय में बनाकर तैयार कर सकते हैं। हमेशा क्या होता है ना, बिरयानी खाने का मन तो सबका होता है, किसका नहीं करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन इसी प्रॉब्लम का सलूशन हम आपके लिए लेके आए हैं। बहुत ही कम समय में आप बिरयानी को बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। वेलकम टू माय चैनल फिरदौस चैनल में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने 1 किलो मटन ले लिया है। इसको हमने पहले ही अच्छे से वॉश कर लिया था। अभी क्या करेंगे ना, इसमें हम सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। इसमें सबसे पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसमें हम 4 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 4 चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे। यहाँ पर हमने दोनों को मिक्स कर दिया था, तो 4 4 8 हो गए। तो इसमें हमने 1 कटोरी ऐड किया। इसी के साथ में हम हरी मिर्च को दरदरा करके डालेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसमें डाल देंगे कलर लाने के लिए हल्दी पाउडर, साथ में लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। इसी के साथ में डाल देंगे हम धनिया पाउडर। यहाँ पर धनिया पाउडर हम 3 से 4 चम्मच ऐड करेंगे। इसी के साथ में हम 100 ग्राम दही ऐड कर देंगे। तो यहीं पर सारी चीज़ें हमको ऐड करनी है और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाकर मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने 100 ग्राम दही भी ऐड कर दी है पूरी तरीके से। अब यहाँ पर हम डालेंगे प्याज। तो प्याज को हमने पहले ही ब्राउन कर लिया था। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें नमक डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम बिरयानी मसाला। यहाँ पर हमने खड़े मसाले ले लिए हैं, साथ में सौंफ और जीरा, लौंग, काली मिर्च, हरी मिर्च और यहाँ पर दालचीनी टुकड़ा। इन सारे मसालों को हम दरदरा सा कर लेंगे और ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मसाला बचा लेंगे, बाद में यूज़ करेंगे हम। अब हम क्या करना है, इन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे आधा घंटे के लिए रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारी मटन बिरयानी आपको फटाफट बनने वाली कैसी लगी है। इसको हम साइड में करते हैं और फ्लेम पे कुकर रखेंगे। इसमें तेल पहले से रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो हमने प्याज को ब्राउन किया था ना, वही तेल हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले इसमें डाल देंगे काली मिर्च, फिर डालेंगे इसमें जीरा, इसमें 2 हरी इलायची डाल देंगे, इसमें 3 से 4 लौंग भी ऐड कर देंगे, 2 से 3 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे और 2 तेज़पत्ता ऐड कर देंगे। और इसी के साथ में जो हमारा मटन है ना, उसको भी ऐड कर देंगे। और मटन ऐड करने पर इसको हम 10 मिनट के लिए भुनेंगे। इसे हम हाई फ्लेम पे भुनेंगे। इसमें पानी भी रिलीज करेगा क्योंकि इसमें अलग से डालने की कोई ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें बाद में पानी कितना दिखेगा। इसमें हमने पूरा मटन को भी ऐड कर दिया। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हम चला लेंगे, चलाते जाएंगे इसको। पूरे मसाले हमारे अच्छे से पहले से पूरी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बोला कि इसे हम 10 मिनट के लिए भुनेंगे, तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अभी क्या करेंगे, इसको हम कवर करके मटन को गलाएंगे। इसे हम रखेंगे हाई फ्लेम पे, इसमें सीटी आती रहेगी। अब यहाँ पर हमने राइस ले लिए हैं, यहाँ पर हम सेला राइस यूज़ कर रहे हैं। आप अपनी पसंद के कोई से भी राइस ले सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, इसको बॉयल करने की कोशिश में चलते हैं। तो फ्लेम पर एक तपेली रखेंगे। इसमें हमने 3 लीटर पानी डाला है क्योंकि यहाँ पर हम राइस को अच्छे से बॉयल करेंगे। तो इसमें हम खड़े मसाले ले लिए हैं। यहाँ पर हमने 3 लौंग लिए, 2 हरी इलायची, साथ में काली मिर्च और जीरा और सौंफ लेंगे। इन सारे मसालों को डाल देंगे पानी में अच्छे से पूरी तरीके से। इसका जब पानी में डालेंगे ना, फ्लेवर आएगा। अब इसमें हम नमक डालेंगे। इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि यहाँ पर पानी के साथ नमक डालना पड़ता है। फ्लेम को भी मीडियम कर देंगे क्योंकि इसमें सीटी आ चुकी है। इसमें हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। और एक साइड में जो हमारे राइस का पानी है, इसमें हम हरी मिर्च ऐड कर देंगे, डंठल के साथ डालेंगे, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसको कवर करके इसको जो पानी ना पूरी तरीके से इसको हम खौल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पर खौल भी आ चुका है। जो हमारी राइस है ना, उसको हम इसमें डाल देंगे ताकि जो हमारे राइस है ना जल्दी से पक जाएंगे, तो हमारी जो बिरयानी है बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें हमने पूरा राइस डाल दिया। अभी क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से चला देंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि पानी थोड़ा ज़्यादा है। तो जब हम राइस को बॉयल करते हैं ना, इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ही लगता है। इससे हमारे जो राइस होते हैं ना, बहुत ही अच्छी तरीके से पक कर तैयार होते हैं। तो जो हमारे राइस है ना, ये भी बहुत जल्द होने वाले हैं। अभी क्या करेंगे ना, यहाँ पर हम 1 कटोरी में पानी निकालेंगे और ये पानी हम बाद में यूज़ करेंगे। जब हम इसमें लेयर लगाएंगे ना दम के लिए, तब ये पानी हम यूज़ करेंगे। इसको भी साइड में कर देंगे और जो हमारा मटन है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा कुकर है पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका है। इसको हम चला देंगे। इसमें जो पानी है ना थोड़ा बहुत, इसको हम पूरी तरीके से जलाएँगे। मटन को रख देंगे हाई फ्लेम पे ताकि हमारी जो कुकिंग है जल्दी हो जाएगी। इसको हम साइड कर देंगे और हम देखेंगे राइस को, जो हमारा राइस है ना पूरी तरीके से पक चुका है। 95% पकाना है इसको हमें, राइस को और मटन को भी 95% पकाएंगे। तो अभी क्या करेंगे, राइस को हम छान लेंगे। इसका जो पानी ना पूरी तरीके से अलग कर देंगे।
यहाँ पर हमने राइस का पूरा पानी अलग कर दिया और जो मटन है ना इसका भी पूरी तरीके से पानी जल चुका है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। यहाँ पर हम टमाटर को स्लाइस में कट करके डाल रहे हैं, इससे बहुत अच्छा दिखता भी है। तब इसको डालने के बाद हम क्या करेंगे ना अच्छे चला देंगे, लगा देंगे। अब यहाँ पर हम लगाएंगे लेयर। लेयर लगाने के बाद इसको हम सीधा दम लगा देंगे। तो मटन का थोड़ा बहुत जो तेल होता है ना उसको नीचे डालेंगे, उसके बाद इसमें हम राइस डालेंगे। तो यहाँ पर जिस बर्तन में हमने राइस को बॉईल किया था ना वही बर्तन में हम दम लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हमने डाल दिया है राइस, उसके बाद इसमें डालेंगे मटन, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसी तरीके से हम लेयर लगाएंगे। सबसे पहले मटन डाल देंगे, उसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज। यहाँ पर जो प्याज हमने पहले यूज़ किया था ना वही प्याज इसमें हमने बचाया था, ब्राउन करके हमने पहले रखा था। अब इसमें हम डालेंगे बिरयानी मसाला और जो एक मसाला हमने बनाकर तैयार किया था ना उसको भी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, इसी के साथ में थोड़ा सा डालते जाएंगे पुदीना कटा हुआ। अभी क्या करेंगे ना इसमें हम वापस से राइस डालेंगे और इसमें हम खुशबू के लिए क्या यूज़ करेंगे वो हम आपको बताएंगे। इसमें हम कलर यूज़ करेंगे ना उसमें हम थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल देंगे, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसमें हमने राइस वापस से डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे कलर लाने के लिए, इसमें बड़ी कलरदार खिली खिली हमारी दिखेगी ना बिरयानी। इसमें हमने कलर के साथ केवड़ा वाटर भी यूज़ किया थोड़ा सा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ गई। उसके बाद हम वापस से इसमें मटन ऐड कर देंगे। मटन ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे ब्राउन किए हुए प्याज, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। इसी के साथ में हम वापस से डालेंगे बिरयानी मसाला और इसी के साथ में जो हमने मसाले को बनाकर रखा था उसको भी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। इस तरीके से आप बनाइए आपकी बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और इसमें थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना डाल देंगे, आप अपने हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा पुदीना और हरा धनिया कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। इसको हम डालने के बाद वापस से इसमें हम राइस डाल देंगे। अब इसमें हम राइस वापस से डाल देंगे पूरे में अच्छे से फैलाकर। अब इसमें हम डालेंगे फूड कलर। फूड कलर थोड़ा थोड़ा डालने का मतलब क्या होता है ना, जो हमारे बिरयानी के राइस है ना बहुत ही अच्छे मतलब कलरदार दिखेंगे और हमारे राइस कलरदार तो है ही सही, तो बहुत ही ज़्यादा खिली खिली बिरयानी हमारी बनने वाली है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इसमें हमने वापस से मटन को ऐड कर दिया है। अब इसमें हमने थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर दिया, बिरयानी मसाला भी ऐड कर देंगे और जो हमने मसाले को बनाकर रखा था उसको भी ऐड कर देंगे। इस तरीके से बनाइए आपकी बिरयानी इतनी ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब बनेगी ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने राइस को थोड़े से बचा कर रखे थे इसको हमने वापस से डाल दिए। इसमें हमने फूड कलर वापस से डाल दिया। इसी के साथ में हम ब्राउन की ही प्याज डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, और इसी के साथ में हम डाल देंगे थोड़ा सा पुदीना कटा हुआ और हरा धनिया भी साथ में डालते जाएंगे। यहाँ पर हम सारी चीज़ें ऐड कर देंगे क्योंकि ये जो हमारी लेयर है ना ऊपर वाली लास्ट है, उसके बाद इसको हम दम लगा देंगे। इसमें हम क्या करेंगे ना थोड़ा सा पुदीना भी डाल देंगे। और खुशबू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें हम डालेंगे देसी घी। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरे कहने पे डालकर बनाइए, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार आपकी बिरयानी बनेगी। और जो हमने पानी को निकाल कर रखा था ना राइस के टाइम पे वही पानी को थोड़ा सा ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। अब इसमें हम दम लगाने के लिए क्या करेंगे ना, यहाँ पर हमने सिल्वर पेपर लिए, इसको हम पोहे में कवर कर देंगे। सिल्वर पेपर लगाने का ये फ़ायदा होता है कि जब इसे हम दम लगाते हैं ना तो 20 मिनट टाइम लगता है, लेकिन ये 15 मिनट में दम लग जाएगी और बहुत जल्द दम लगेगी। अगर आपके पास सिल्वर पेपर नहीं है तो आप यहाँ पर न्यूज़ पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से हम क्या करेंगे इसको हम कवर कर देंगे। अब इसे रखेंगे हम फ्लेम पे, तो इसे हम पहले रखेंगे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, और उसके बाद 1 मिनट के बाद इसे हम कर देंगे मीडियम। और जब इसे हम दम लगाएंगे ना ऊपर हम कोई हैवी सामान रख देंगे उससे बहुत अच्छे से दम लग जाती है। तो यहाँ पर हमने मीडियम कर दिया था पहले ही, तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। अभी क्या करेंगे ना इसको हम फ्लेम को तो बंद कर दिए हैं, अब हम यहाँ पर बिरयानी को खोल के देखेंगे कि हमारी बिरयानी का क्या हाल है। माशाल्लाह हमारी जो बिरयानी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो कलर कितना ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बिरयानी बनी। अभी क्या करेंगे इसको हम चला लेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी बिरयानी का जो राइस है ना कितने ज़्यादा खिले खिले हैं। देख रहे हैं ना हमारी जो मटन बिरयानी है कितनी ज़्यादा खिले खिले और पूरी तरीके से कलरदार हैं। खाने का दिल चाह रहा है ना बिरयानी, मुँह में पानी आ रहा है ना, तो फिर जाइए बनाइए, आप भी ऐसे बनाइए, आपकी भी खुशबूदार बिरयानी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अभी क्या करना है इसको हम सर्व कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो बिरयानी का कलर है पूरी तरीके से कलरफुल है। इस तरीके से आप भी बनाइए, आपकी भी बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो आप देख सकते हैं हमारी मटन बिरयानी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना।